विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन था, क्या कहेंगे इसको? देखिए, बजट सत्र का आज तीसरा दिन रहा, बहुत से महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसमें सरकार ने प्रयास किया कि उनकी कोई किसी प्रकार की चर्चा ना हो। मीडिया के माध्यम से पता चला होगा आप सबको भी, और पहले भी पता है, नेशनल क्राइम ब्यूरो के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध में हमारे प्रदेश के होम मिनिस्टर साहब ने कल खुद ये आंकड़े पेश किए हैं कि हमारे प्रदेश में रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं, हमारे प्रदेश में चोरियां बढ़ रही हैं, हमारे प्रदेश में डकैती बढ़ रही है, हमारे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर खराब हो चुका है। ये रिपोर्ट तो जो अनस्टैड एक प्रश्न था उसमें हमारे प्रदेश के होम मिनिस्टर साहब ने दी है। इस बात पे झगड़ा करने की बजाय कि कौन सा विभाग किस पे रहे, उनको ये सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि जो जीरो टॉलरेंस की पावर थी, आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बद से बदतर हो गई। हमारे यहाँ से इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ अपना पलायन कर रही हैं। जो व्यक्ति, जो युवा पढ़ा लिखा हमारा बेरोज़गार घूम रहा है, जो ये चाह रहा है कि उसको रोज़गार मिले, सरकार उसको रोज़गार देने में नाकामयाब है। वही मैं सबसे बड़ा कारण समझती हूँ कि आज हमारे प्रदेश का जो युवा है वो ड्रग्स की चपेट में पूरी तरह से आ चुका है, और सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है क्या चीज़? क्या केवल और केवल हम लोग इस नारे की एडवोकेसी के लिए हैं? कितनी आपने बेटियां बचाई हैं? आज आंकड़े निकल कर आए हैं कितनी बेटियों के साथ बढ़ता हुआ अपराध हुआ है। जो हमारा एक वेलफेयर स्टेट सोशल इंडिकेटर्स में बहुत ज़्यादा आगे होना चाहिए था, यहाँ पर प्रदेश की बद से बदतर स्थिति होती जा रही है, जो कि बहुत बड़ा एक जो है चिंता का विषय है। सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, 722 बंद हो गई, 1000 बंद करने की स्थिति में सरकार बंद करेगी, क्योंकि नहीं चाहती कि एक शेड्यूल कास्ट का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, एक बैकवर्ड क्लास का बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, एक बीपीएल फैमिली का गरीब बच्चा जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है, इनकी कान पे जू नहीं रेंग रही। इनके खुद के आंकड़े बताते हैं, एक भी नया स्कूल इन्होंने नहीं खोला है। सरकार को कुछ नहीं फर्क पड़ता, शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सरकार की संवैधानिक जिम्मेवारी बनती है और सबका अधिकार आ गया है, सबको शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए। एक भी नया स्कूल इन्होंने ना बनाया है, ना एक भी आरोही मॉडल स्कूल बनाया है। आज स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो चरमरा चुकी हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि डॉक्टर्स की भर्ती करनी कैसे है। पहले मेडिकल बोर्ड के माध्यम से थी, अब कह रहे थे HPSC के माध्यम से है, फिर से बदल दिया है। सरकार पटल पर ये बात रखे कि पिछले 5.25 साल में एक भी नया मेडिकल कॉलेज इस सरकार ने नहीं बनाया, एक भी मेडिकल की सीट नहीं बढ़ी, और जो मामले सब जुड़ियस हैं, तो क्या हमारा जो AG ऑफिस है, क्या वो सही ढंग से कार्य नहीं कर रहा है कि अपने लंबित मामले जो कोर्ट में पड़े हैं उनको क्यों ये सही ढंग से जो है उनको डील नहीं करते, ताकि लोगों को इसके हक मिल पड़े। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, हमने रोड एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं उसको लेकर नॉन ऑफिशियल डे पर एक नोटिस दिया था कि आज जो है, आज कितने आंकड़े निकल कर आ रहे हैं कि रोड्स पर, हाईवेज पर आवारा पशुओं की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और रैश ड्राइविंग की वजह से हो रहे हैं। ये चिंता का विषय है, सरकार को इस पे गंभीरता लेनी चाहिए। ना इन्होंने माना, पहले वाले मंत्री इनके सारे के सारे, हम कहते रहे कि आपकी पॉलिसी सही नहीं है पर सरकार मानी नहीं, सारे के सारे मंत्री इनके निपट गए। यही हाल आने वाले समय में आप देखना, सरकार की जो है जो नीतियाँ हैं वो हमारे सोशल सेक्टर से नहीं है। इनको तो ये चिंता है कि दारू की बोतल कितनी और कहाँ बिके और सस्ती बिके, इनको ये चिंता नहीं है कि हमारे बेटियों के लिए अच्छा एजुकेशन का एटमॉस्फेयर दिया जाए, हर बच्चे को स्कूल दिया जाए, अच्छी शिक्षा दी जाए, अच्छा स्वास्थ्य दिया जाए। इनको अगर चिंता है तो केवल और केवल रिवेन्यू की बात करें, सोशल इंडिकेटर्स में हरियाणा प्रदेश की आज स्थिति बद से बदतर है। आ जाओ, बत्रा जी को बुला लेते हैं। बत्रा जी आ जाओ।